ग्वालियर के पड़ाव स्थित महिला थाने में पति पत्नी के झगड़े से जुड़ा एक ऐसा प्रकरण सामने आया कि पुलिस भी उनकी फरियाद सुनकर दंग रह गई। दंपति की शादी को महज एक साल बीता था, लेकिन पति और पत्नी के बीच शराब को लेकर झगड़ा होने लगा। पत्नी पति पर शराब पीने का आरोप लगाते हुए थाने पहुंच गई। जब पुलिस ने पति को बुलाया तो पति ने भी पत्नी पर शराब पीने और उससे लड़ाई करने का आरोप लगा दिया। यह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। बाद में पुलिस ने दोनों को समझाया कि शराब पीना बुरी चीज़ होती है, नशे की लत छोड़ना पड़ेगी। महिला थाने की TI दीप्ति तोमर ने इस केस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पति बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को कसम खिलाने के बाद वहां से हंसी खुशी विदा कर दिया। देखिए हमारे रिपोर्टर राहुल परिहार की रिपोर्ट। जी, मेरे पास कुछ दिन पहले एक पति पत्नी का विषय आया था, जो कि दोनों इंजीनियर हैं और दोनों बेंगलोर में जॉब करते हैं। दोनों इंजीनियर होने के साथ साथ वहाँ पहले अलग अलग रहते थे, शादी के बाद दोनों फिर एक ही फ्लैट में रहने लगे और संभवतः पहले अलग अलग शराब पीते होंगे। फिर दोनों का पता चला कि ये भी पीती है और मैं भी पीता हूँ। दोनों पति पत्नी में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। इसके बाद फिर मामला हमारे पास आया तो हमने दोनों की काउंसलिंग की और दो बार काउंसलिंग हुई। दोनों काउंसलिंग में फिर दोनों ने कसम खाई, शपथ ली हमारे सामने कि अब हम शराब नहीं पियेंगे। तो दोनों यहाँ से खुशी खुशी गए हैं और आइंदा शराब नहीं पियेंगे ऐसी कसम खा के गए। हमें उम्मीद है कि इनका जीवन अच्छा चलेगा आगे। जी, हमने दोनों का साथ में बैठ के पहले अलग अलग काउंसलिंग की कि मुद्दा क्या है। तो दोनों बहुत अच्छे से, दोनों कमाते हैं, बड़ी अच्छी सैलरी है दोनों की, लेकिन जब बात समझ में आई तो शराब ही एक ऐसा कारण निकला जो दोनों का विवाद का कारण बना। दोनों की समझ में आया, उनके पेरेंट्स को भी बुलवाया तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं समझ में आया, तो उन लोगों ने भी साथ में बैठ के उनका साथ दिया, काउंसलिंग की हमारे साथ बैठ के, और दोनों अब खुश हैं।